TV9 पर सीमा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी है। 4 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR। हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़े गए थे सीमा और सचिन। ये देखिए, यही वो FIR की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 जुलाई को ये FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी। 13 मई की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी थी सीमा। FIR में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है। सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस की 13 पन्नों की FIR सामने आई है। FIR में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं, पॉइंट वाइज बताएंगे कि इस FIR में सीमा हैदर ने क्या क्या बयान दर्ज करवाया है। जल्दी से नजर डालते हैं। सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो FIR दर्ज की गई थी उस FIR की कॉपी भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए क्या मिला पुलिस को, 4 मोबाइल फोन मिला है। नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल सिर करते हैं तनविशता असरदार, तनविशता टैबलेट्स सीमा हैदर के पास। और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं, कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है। ये देखिए ATS पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था, दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था, जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंग्लिश बोलना सीख गई थी। आपको ये भी बता दें कि FIR की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुंच गई भारत, भारत वो पहुंची नेपाल के रास्ते, और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से, मोबाइल की हालत क्या थी। एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामद किया गया और कहा यह भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने, इसी वजह से सीमा शक के दायरे में। और क्या क्या मिला है, कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को, 3 आधार कार्ड भी मिले हैं, मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डिलीटेड था, दो वीडियो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से, सीमा हैदर के पास से, और इन सभी चीजों की जांच इस वक्त चल रही है। वहीं 4 जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि 4 बच्चे हैं सीमा के, 4 बर्थ सर्टिफिकेट भी मिले हैं, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है। अभी भी ATS लगातार पूछताछ कर रही है सीमा से, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश में ATS की टीम जुटी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बातें सामने आई है। सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नोएडा के थाना रबुपुरा में ये FIR दर्ज है, जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुंची भारत। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में। हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई, ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया। FIR में सीमा हैदर, सचिन और नेत्रपाल का जिक्र है, पाकिस्तानी महिला के 4 बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है। सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शख्स भी पकड़ा गया जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। सीमा ने पबजी गेम के जरिए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, उनका रुख करेंगे जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आपने सुना सीमा कहती है कि 5 दिन में उसने जेल में इंग्लिश बोलना सीख लिया। सीमा यह भी कहती है कि काठमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की, लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं, कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास। ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी, शक गहराता जा रहा है सीमा के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था उसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी। उस दौरान जो सीमा ने अपने बयान दिए उसने जैसा कि बताया कि हमने उस फला मंदिर के अंदर शादी की थी, इसके अलावा उस पंडित ने हमारी शादी कराई, हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे, उन तमाम जगहों से जो एविडेंसेज हो सकते थे वो कलेक्ट किए गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हों चाहे वो फिर वहाँ से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए हों, तो तमाम एविडेंसेज इकट्ठा किए गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ऊपर गहराया है और यही वजह कि अब जांच ATS को सौंपी गई है। इसके अलावा अगर बात करें इस FIR की, तो FIR में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताया कि
इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान वो शारजा से सीधा काठमांडू पहुंची और काठमांडू से वैन के जरिए सीधा पोखरा आई थी और साथ ही पोखरा के अंदर बाकायदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गई थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोएडा तक पहुंची है। तो पहले वो क्यों आई, पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुंची थी, तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान आने की प्लानिंग चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत, कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसीलिए शक भी गहराता जा रहा है।